हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी देखिए मॉर्निंग के जो है 8 बज रहे हैं और आज जो दिन है ना, क्या कर रही हो अभी? अभी देर है, रुक जाओ। मंडे है और आज जो है ना तुलसी विवाह एकादशी है, तो आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी बधाई। और यहाँ देखिए छवि, हस्बैंड ले आए थे तो ये छवि देखिए उसको ओपन कर रही है। और अभी बच्चों को मैं यही नाश्ता दे दूंगी। और यहाँ देखिए मैंने सब्जी कट करने के लिए रख दिया है, आलू बोड़े, आज आलू बोड़े की सब्जी बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए चाय बन रही है, ये देखिए। और चलिए अभी मैं आप लोग को घर दिखाती हूँ, पूरा घर अभी अस्त व्यस्त है, एक मिनट। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने ना एकादशी था इसलिए बेडशीट इसका चेंज कर दिया है, अभी इसे सेट करना है। पहले मैं किचन से आ जाऊंगी ना लंच बना के, फिर उसके बाद से आज जल्दी ही लंच बनाऊंगी, क्योंकि तुलसी विवाह है तो बहुत सारा काम है। यहाँ देखिए ऐसे ही पूरा जो है पड़ा हुआ है, अभी जल्दी से लंच बना लूंगी, फिर तब उसके बाद मैं बेडशीट लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए अभी हस्बैंड भी उठ गए हैं, तो मैं ये रूम जल्दी सेट कर देती हूँ, क्योंकि कोई भी आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे दिखते हुए। तो पहले इस रूम को सेट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आ गई हूँ और सारी सब्जियों को मैंने कट कर लिया था। तो मैंने सरसों का तेल लिया है, जब तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च प्याज सबको मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, सिर्फ हल्का सॉफ्ट कर लूँगी। फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया है और थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसमें बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, नमक और कश्मीरी मिर्च ये सब डाल दूँगी। और दूसरे गैस पे मैं रोटी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ना ठंडी मतलब बढ़ गई हमारे यहाँ और इसकी वजह से ना पूरा रूटीन जो है चेंज हो गया है। जल्दी जल्दी मतलब सुबह में जल्दी जल्दी उठती हूँ, सारे काम करती हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कि अभी मतलब सारे काम हुए ही नहीं और पूरा दिन चला गया। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, सब्जी जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाने के बाद मैं थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा ना, तब मैं इसमें बोड़ा जो है वो ऐड कर दूंगी। और सिंक में काफ़ी बर्तन हो गया था तो मैं उसे भी क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए अभी मैंने बोड़े को ऐड कर दिया है और बस अब इसे भून लूँगी थोड़ा देर, जब तक कि आलू बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, आलू जो है अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है, तो अब मैं इसे उतार लूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने नाश्ता कर लिया है और हस्बैंड लेके गए हैं बच्चों को ना पीटीएम में। आज बच्चों के स्कूल का पीटीएम था तो बच्चों के साथ वो स्कूल चले गए हैं और मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ। और अभी मैंने नाश्ता भी कर लिया है और आज का तैयारी जो है, जैसे कि मतलब आज हमारे यहाँ गन्ना सिंघाड़ा और आज के दिन गन्ना खाना ज़रूरी होता है, तो वही गए हस्बैंड लेने के लिए। अभी वो लेके आएंगे तो फिर मैं शाम की पूजा की तैयारी करूँगी। आज चावल के आटे से ना वो चावल हल्दी डाल के वो बनता है, क्या कहते हैं, रंगोली हम लोग बनाते हैं चावल के, मतलब चावल को पीस के। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और देखिएगा मैं किस तरीके से तुलसी विवाह करती हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ पर जैसा करती हूँ मुझे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अभी हस्बैंड आ गए थे और उन्हें मैंने लंच करा दिया है। और हस्बैंड जो है ना थोड़े से ग्रोसरी के सामान लेके आए थे, तो उन्हें छवि ये देखिए रिकॉर्ड कर रही है तो आपको दिखा रही है। हमारे यहाँ फ्रेंड्स जो मतलब जैसे ख़त्म होता रहता वैसे आता है, ऐसा नहीं है कि एक महीने का लेके हम स्टोर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ जब ख़त्म होगा तब आ जाएगा। और यहाँ ज्योति फास्ट है ना सोमवार का, तो उसके लिए मैं मूँगफली जो है वो थोड़ा सा भून दूँगी ऐसे ही बिना तेल वगैरह डाले, और चाय बना दूंगी। और फ्रेंड्स, आज सुबह से लाइट इतना कट रहा था ना, इतना कट रहा था मैं क्या बताऊं। और ना सुबह ही मैंने मशीन में सारे कपड़े डाल दिए थे, पर लाइट ना होने की वजह से ना मैं इसे मतलब चालू नहीं कर पाई थी। तो अभी देखिए 2:30 बजे लाइट आया है तो मैंने मशीन लगा दिया है कपड़े वाश होने के लिए। और इधर ज्योति के लिए नाश्ता बना देती हूँ कि जल्दी से वो भी कुछ खा ले, सुबह से उसने केला वगैरह खाया है पर अभी बना देती हूँ इसके लिए मूँगफली का दाना और चाय वो खा लेगी।
और बगल में ज्योति है उससे मैं बातें कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आ गए हस्बैंड मार्केट से और उनको मैंने खाना खिला दिया है और कुछ ग्रोसरी के सामान लेके आई है। देखिए तो इन्हें मैं अभी डब्बे में लगा देती हूँ और ये शाम को जो पूजा में चढ़ेगा, जैसे कि ये सिंघाड़ा है और ये शायद फूल माला है, इसे मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर फ्रूट्स लेके आ गए हैं तो मैंने उसे भी लगा दिया है। और ये जो है ना, देखिए कन्ना है, तो ये सब मैं शाम को करूँगी। अभी पहले मैं ये जो सामान लेके आए हैं, चीनी दाल वगैरह, ये सब मैं डब्बे में लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं मूंगफली का दाना भूज रही हूँ, क्योंकि ज्योति जो है ना वो फास्ट है, तो उसके लिए ये देखिए, तो इसे मैं भून लेती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर शाम की तैयारी जैसे कि रंगोली वगैरह बनाना वो करूँगी। तो फ्रेंड्स जितने भी सामान आए थे ना राशन के, उन्हें मैं डब्बे में लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे फुल सपोर्ट करिए और फुल मेरे वीडियो को वॉच करिए। और ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग जड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। लाइक सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, मैं आपसे बार बार कहती हूँ। और मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भी सपोर्ट करिए, मुझे भी आगे जाना है फ्रेंड्स। बट आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ ना, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने चीनी दाल ये सब डाल दिया है। वैसे आपने देखा ना कि सब कुछ था, बट जब थोड़ा खाली होता है तो हस्बैंड ला देते हैं कि डब्बा खाली, अच्छा नहीं लगता है, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता है कि डब्बा खाली रहे। तो अभी मैंने कल ही सोया बड़ी की सब्जी बनाई थी, तो देखिए अभी उसमें है और ये और ला दिए, तो डब्बा जो है वो फुल हो गया। और फुल डब्बा ज़्यादा अच्छा लगता है। और मटर और काबुली चना लाए हैं, उसका मैं छोला बनाऊँगी मिक्स करके, क्योंकि मेरे घर में छोला जो है ना वो दोनों मिक्स ही सबको पसंद है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च लाए थे, उसे मैं डाल देती हूँ। तो आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला रेस्ट करने का, और जैसे ही मैंने ये चाय और मूंगफली का दाना ज्योति को दे दिया था ना, वैसे ही फिर मैं तुलसी विवाह की तैयारी में लग गई थी, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने क्या क्या किया था, किस तरीके से मैंने तुलसी विवाह किया है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ उसे भी आप लोग फुल वॉच करिएगा। और यहाँ देखिए मूंगफली का दाना जो है वो रोस्ट हो गया है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अभी चाय नहीं बना है, चाय थोड़ी देर बाद बना था, क्योंकि मैंने चाय थोड़ी देर बाद, मतलब मूंगफली बैठाने के बाद थोड़ी देर बाद चाय मैंने बैठाया था, और लो फ्लेम पे रखी हूँ ना, इसलिए थोड़ा लेट लगेगा, तब तक ज्योति इसे खाती रहेगी। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए रोस्टेड मूंगफली का दाना और चाय। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।